19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें चंद्रपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी सुदीन मुनगंटीवार ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने इस वक्त कहा कि सभी ने मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। मतदान के इस मौके पर सुदीन मुनगंटीवार ने कहा कि यह लोकतंत्र का उत्सव है, महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हर व्यक्ति ने अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाना चाहिए, देश की प्रगति के लिए मतदान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप सभी ने मतदान कर अपना सहयोग देश की प्रगति में देना चाहिए। राष्ट्रीय कर्तव्य पार करण्यासाठी या ठिकाणी मी आलो आणि माझ्या समवेत माझी पत्नी, माझी मुलगी, माझे जावई, आम्ही चौघांनीही या ठिकाणी आलो। आमच्या तिघांचं मतदार यादीमध्ये नाव आहे। जावयाचं नाव हे नांदेडमध्ये आहे आणि या ठिकाणी आम्ही तिघांनी मतदान केलं, आपल्या राष्ट्रीय कर्तव्य पूर्ण केलं। हा राष्ट्रीय उत्सवाचा दिवस आहे, एक महत्त्वाचा दिवस आहे। या दिवशी प्रत्येक मतदार बंधू भगिनींनी आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य पूर्ण केलं पाहिजे देशाच्या प्रगतीसाठी। आपला देश वेगाने जगामध्ये पुढे जात आहे आणि अशा प्रसंगामध्ये आपण मतदान करून या वेगाला सहकार्य केलं पाहिजे। आणि त्या दृष्टीने माझा विश्वास आहे की पहिल्या फेजमध्ये चंद्रपूरची निवडणूक होते आहे। चंद्रपूरची जनता, जनता जनार्दन, ज्याला आपण मतदाराला ईश्वराचा अंश मानतो, तो मतदार या राष्ट्रीय कर्तव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभागी। सभी प्रत्याशी वोट कर लोगों को भी आह्वान करे हैं कि उन्होंने भी मतदान करना चाहिए। चंद्रपुर की राजनीतिक लड़ाई तगड़ी है, ऐसे में चुनाव की बात के नतीजे देखने लायक होंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।